आज हम हैं भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर, जहां से अयोध्या राम मंदिर के लिए भाजपा मुख्यालय से तीसरे चरण की टोली राम मंदिर के लिए रवाना होगी। हमारे साथ हैं यहां पर युवा मोर्चा के नीरज, जिनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आज तीसरे चरण की टोली को लेकर। देखिए, जैसा कि हम सबको पता है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दर्शनार्थ अभियान के तहत हमने जयपुर से पहले भी अयोध्या सेवा कार्य के लिए टोली भेजी है। तो अभी तीसरे चरण की टोली में ये 10 लोगों की टोली फिर से जा रही है और वहाँ 7 दिन रहेगी। और वहाँ पे रहने के बाद ये आंतरिक परिवहन व्यवस्था, जो श्रद्धालु राम भक्त यहाँ से जाएंगे पूरे प्रदेश भर से, तो उनके आंतरिक परिवहन व्यवस्था को देखेंगे और भोजन प्रबंधन व्यवस्था को देखेंगे और आवास व्यवस्था को देखेंगे और वहाँ के मंदिर दर्शन की व्यवस्था। ये 7 दिन रहकर कार्य करेंगे, सेवा कार्य करेंगे और उसके बाद ये वापस फिर उसी हिसाब से फिर रूटीन चलेगा। कुल कितने लोग हैं यहाँ से जाने वाले तीसरे चरण की टोली में? वो 10 लोग जाएंगे यहाँ से, 10 लोगों की टीम एडवांस वहाँ पे रहेगी और फिर 10 लोग वापस फिर जाएंगे, इस तरह से चलेंगे। हम इनसे भी बात करेंगे, किस तरीके का कार्य रहता है आपका और कैसा लग रहा है आपको कि आज राम मंदिर के लिए आप? राम मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है, इतने खुश है। वो कहते हैं मोदी जी है तो मुमकिन है। हम सेवा कार्य के लिए जा रहे हैं, राम सेवक के रूप में जा रहे हैं और वहाँ जो भी राम भक्त आएंगे उनकी तन मन धन से सेवा करेंगे। आप क्या कहेंगे जी? हम बहुत खुश है। बाकी हमारा अन्य काम है, मतलब राजस्थान से जो यात्री आएंगे उनको मंदिर में लेकर आना, उनको दर्शन करवाना। और तो ये है भाजपा मुख्यालय से तीसरे चरण की टोली, जो कि राम मंदिर अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है। और भाजपा मुख्यालय से इनका एक कार्य रहेगा कि राम मंदिर के अंदर जो भी यहाँ से श्रद्धालु या भक्तगण जाएंगे उनकी सेवा भाव को लेकर ये टोली उनकी सेवा के लिए कार्य करेगी। तो लगातार देखते रहें महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ जयपुर।